हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर देखिए एस एम दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है काफी सारे एस एम ई यहाँ पर मार्केट uh, में डेली uh, वाइज uh, तो नहीं कहेंगे बट हाँ मंथली वाइज यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और चार आईपीओ अभी भी पाइपलाइन में लगे हुए हैं तो उन्हीं आईपीओ से रिलेटेड एक एक करके हम यहाँ पर जानकारी लेंगे देखेंगे और उन्हें अमीरों का आईपीओ भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है अमीरों का आईपीओ एस आईपीओ होता क्या है वो आगे बात करेंगे बट यहाँ पर अगर आज की डेट की बात करें तो दो एक वीडियो आ चुकी है मिंडलास बायोटेक देखिए कोई ब्रेकआउट नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है सिंपल देखिए जब हम भी मार्केट में थे ओके okay, स्टार्टिंग में तो हमें भी कुछ नॉलेज नहीं हुआ करती थी इन दैट केस हम भी यूट्यूब uh, पे या डिफरेंट सोर्सेज पे ढूंढा करते थे कि कोई ऐसी वीडियोस मिल जाए ताकि हमें पता चल जाए ताकि हमारा जो डर है वो खत्म हो जाए तो देखिए विंडलाज uh, में एप्टस में इसी तरीके के कुछ पर्टिकुलर शेयर है जिसमें आईपीओ में, में नंबर भी लगा किसी ने ऊपर लेवल पर जब शेयर भागा था तब खरीद लिया तो एक डर लगा रहता है कि 20 परसेंट डाउन हो गया है ओके okay, 25 परसेंट डाउन हो गया है क्या हम खरीदे या नहीं खरीदे बायोन डिप्स करें तो उस तरीके के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लोग इधर उधर घूमते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियोज बनाते हैं आपके कमेंट देखते हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर वीडियो बनाते हैं कि आपको एक तरीके का रिलैक्सेशन माइंड ऑफ सेट आपका एक पीसफुल हो इसलिए यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस बनाए जाते हैं आपको बताया जाता है और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताए जाते हैं कि यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर शेयर खरीदेंगे आज की डेट में कल की डेट में परसों की डेट में तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे बट जितने भी स्टॉक से रिलेटेड बातें की जाती है वो सारे फंडामेंटली स्टॉक शेयर होते हैं ताकि अच्छे रिटर्न हमें मिल सके तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड जिसका नाम क्या है जिसका नाम है बॉम्बे मैट्रिक्स ओके इससे रिलेटेड हम जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बट रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉर एवर इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की डेली वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे यहाँ पर दूसरी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाई जाती है उन्हें देखिए प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए यहाँ पर पेड सर्विस है कुछ आपको अगर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है एज वेल एज कुछ और डिफरेंट सर्विस चाहिए तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत नॉर्मल फी में आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे बॉम्बे मैट्रिक्स ये कंपनी है क्या करती क्या है तो एक आइडिया सबसे पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं देखिए 2015 में सबसे पहले एस एम ई क्या होता है अमीरों का आईपीओ क्यों कहते हैं वो आगे बताऊंगा बट अगर बात करें एस एम ई होता क्या तो SME IPO है तो एस एम ई का मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब ऐसे छोटे छोटे मतलब कंपनियां जिन्हें मार्केट से पैसा नहीं मिलता तो यहां पर क्या करते हैं वो अपने आप को लिस्ट करा देते हैं और स्टार्टअप होते हैं तो इसमें रिस्क भी रहता है और इसमें भागने की भी क्षमता रहती है कि स्टार्टअप है तो स्टार्टअप कभी कभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं यूनिकॉर्न बन जाते हैं वन बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है कभी ऐसा होता है कि वो स्टार्टअप फेल होते हुए नजर आते तो पैसा डूबता है तो यहाँ पर रिस्क भी हाई है यहाँ पर प्रॉफिट भी हाई है तो इस तरीके के चलते एज वेल एज इनकी जो कॉस्ट होती है इनका वैल्यू होती है बहुत कुछ करोड़ों में ही होती है और एस एम ए आई पी पच्चीस करोड़ के नीचे नीचे होता है तो ये छोटे छोटे पैसा छोटी छोटी कंपनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए आई पी ओ लाती है तो यहाँ पर इसे एन एस सी या बी एस सी पर ही लिस्ट कराया जाता है एन एस सी एस एम ई बी एस सी एस एम ई इस नाम से और एस एम ई यहाँ पर से भी नहीं यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जैसे एन एस सी पर लिस्ट हुआ तो एन एस सी वाला यहाँ पर इस पर निगरानी रखेगा बी एस सी पर हुआ तो बी तो एस सी तो इस तरीके से आई पी ओ को एस एम ई आई पी ओ कहते हैं आई बटन पर लिंक दूंगा वीडियो बना रखी है वो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा तो हम यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी की तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड सप्लाई चेन्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है मैनेजमेंट सर्विसेज में एज़ वेल एज़ हम बात करें तो कंपनी आल्सो ऑफर्स एफिशिएंट सर्विंग एंड एडवांसिंग इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में कंपनी करती काम करती हुई नजर आती है थ्री डी स्कैनिंग रैपिड पोर्टोटाइपिंग सिमुलेशन और एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट द कंपनी इज प्राइमरली फोकसड ऑनिफि बेनिफिटिंग फ्रॉम द मेक इन इंडिया इनिशियल बाय द गोल बाई एडिंग इन डेवलपिंग सप्लायर कैपेसिटी इन इंडिया तो यहाँ पर ये कंपनी एक तरीके से अलग अलग कंपनीज के लिए काम करती हुई नजर आती है और उन्हें अपने अपने जो माल है ओके ओ ई एम्स में काम करती हुई नजर आती है और अपने जो uh, उन फोर्जिंग से रिलेटेड अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिलीवर करती हुई नजर आती है बनाती हुई नजर आती है मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आती है एक्सपोर्ट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो ओवरऑल बात करें तो ये एक तरीके की एक जो कंपनी है ये मल्टी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है अगर इनकी वेबसाइट पर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ दे रखा है और ये अलग अलग अगर देखें तो देखिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ये डाई कास्टिंग में कंपनी कम काम करती हुई नजर आती है ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना या तो ये अगर मैं आपको बताऊँ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाते हुए मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं जैसे डाई कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक्सट्रूशन एज वेल well एज as असेंबली सी uh, एन सी मशीनें यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे फोर्जिंग हो गया ये फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यहाँ पर

एनी ओई एम्स एंड रिटीयन कस्टमर मैनेज दियर इंटायर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन प्रोसेस तो मतलब क्या है जो में जो काम करती में आती है। तो पर अगर हम देखेंगे, जाएंगे तो देखिए डाई कास्टिंग इन्वेस्टिंग कास्टिंग फोर्जिंग एक्सट्रूशन स्टाम्पिंग रबर मोल्डिंग असेंबली सी एनसी मशीन ये सारी चीज सारी चीजें ये बनाती हुई नजर आती है इसके प्रेजेंस की बात करें तो देखिए ग्लोबल इनके थ्री फोर्टी फाइव यहाँ पर सप्लायर्स है एज वेल एज यहाँ पर बात करें टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 22 प्लस है यहाँ पर टोटल आर एफ क्यू की बात करेंगे तो 800 प्लस है एज वेल एज बॉम्बे मेट्रिक सप्लाई सप्लाई ग्रोथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसे आया हजार लाख दस लाख तो यहाँ पर लगभग फिफ्टी करोड़ मतलब यहाँ पर फिफ्टी करोड़ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर ये अच्छे खासे पर आ, 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 यहाँ पर इनके बॉम्बे मैट्रिक्स सप्लायर ग्रोथ पर दिखाई मेट्रिक सप्लाया था तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी ग्रोथ मतलब 525 प्लस मिलियन यहाँ पर इनकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है ये देखिए ग्रोथ का मतलब टोटल अमाउंट ग्रोथ तो इनकी अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है काफी बेहतरीन कंपनी नजर आ रही है यहाँ पर ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है मतलब एक्सपोर्ट

कब यूज हो रहे थे कि ये फोर्जिंग के प्रोडक्ट्स हो गए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें आ, मैं, आ, ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उसमें यहाँ पर यूज़ होते हुए नजर आते हैं ओ में एज वेल एज हम बात करें यहाँ पर अलग अलग इंजीनियरिंग्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें भारत यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है तो ये कंपनी भी यहाँ पर आगे यहाँ पर और बाकी भागती हुई नजर आएगी देखिए यहाँ पर इन्हें अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर तो यहाँ पर कंपनी टी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए वाइट पोर्टफोलियो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मल्टीडाइवर्सिफाइड है यहाँ पर बात करें वेल स्टेब्लिश रिलेशनशिप विद कस्टमर्स के साथ इनका अच्छे खासे रिलेशनशिप है और उनसे ही देखिए रिपीट ऑर्डर की इंश्योरेंस रखते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इनका वही और सेट लाइट बिजनेस मॉडल यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो कंपनी का वही नॉर्मल जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताती है प्रोमोटर्स कंपनी उसी के रिलेटेड है कंपनी प्रोमोटर्स की बात करें तो देखिए ये हितेन टीसा शाह और बात करें पर करेंपुल हिडी केनिया यहां पर इनके प्रमोटर्स है यहां पर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल नाइनटीन ओके तो यहां पर देख सकते हैं नाइनटीन

तो अगर हम देखें तो कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है उसे यहां पर एसएमई आईपीओ में जगह मिलती हुई नजर आती है यहाँ पर बात करें तो देखिए इनका पार्ट फाइनेंसिंग टू पार्ट फाइनेंस टू द वर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है जनरल कॉर्पोरेट टू मीट द इशू एक्सपेंसेस में कंपनी काम कर मतलब इनके ऑब्जेक्ट है कि इसके लिए आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं यहां पर कुछ डिटेल से रिलेटेड आईपीओ की तो देखिए आईपीओ की जो डेट है तीस तारीख को यहाँ पर ओपन हो गया था इसके बाद चार तारीख इसकी लास्ट डेट है मतलब मंडे कल के दिन यहाँ पर लास्ट डेट है कल के दिन आपको अप्लाई करना होगा इफ यू वॉन्ट टू गो विद पर्टिकुलर आईपीओ तो यहां पर इसमें एज वेल एज यहां पर बात करें फिक्स प्राइस इशू क्योंकि यहां पर देखिए आपने देखा होगा आदित्य बिरला या फिर दूसरे डिफरेंट मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं तो उसमें दो प्राइजेस दे रहते हैं उसमें बुक बिल्डिंग लिखा होता है इसमें फिक्स प्राइस है क्योंकि एक ही प्राइस जो नाइनटी थ्री रूपीज का है तो वही आईपीओ यहाँ पर प्राइस में आपको मिलता हुआ नजर आएगा फेस वैल्यू की बात करें दस रुपए का फेस वैल्यू है

ये पर्टिकुलर आईपीओ होता नजर था छोटा सा छोटा ही यह, यहां पर ये यह आईपीओ है ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं एज वेल एज कुछ डिटेल्स की और बात करें तारीख को ओपन हो रहा है चार तारीख को क्लोज हो जाएगा मतलब कल के दिन लास्ट डेट है तो पैसे दे दिए जाएंगे क्रेडिट ऑफ शेयर की बात करें तो ग्यारह तारीख को यहाँ पर आपके अकाउंट uh, में यहाँ पर शेयर आ जाएंगे और आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो बारह तारीख को यहाँ पर ये यह लिस्ट होता हुआ नजर आएगा तो देखिये काफी ब्रोकर यहाँ पर इसे सपोर्ट करते हैं कुछ ब्रोकर सपोर्ट नहीं करतेम आईपीओ को तो यहाँ पर जरोदा वाले हैं उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा आई थिंक यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग वाले हैं उनके लिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि कुछ ब्रोकर सपोर्ट करते हैं कुछ सपोर्ट नहीं करते इसलिए और एज वेल एज यहाँ पर बात करें बड़ा यहाँ पर छोटा सा आई है ओके और फिफ्टी परसेंट रिटेल के लिए रख रक रखा तो है तो देखिए रिटेलर यहाँ पर हम बात करें आई के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मिल ही जाएगा ये क्योंकि ये ऐसे में होते हैं यहाँ पर आपको आई पी अवेलेबल हो जाता है यहाँ पर देखिए प्री इशू यहाँ पर नाइनटी के शेयर यहाँ पर अभी प्रोमोटर्स के पास है आईपीओ के बाद 69.92 रह जाएंगे लगभग 70% परसेंट के आसपास यहाँ पर आईपी यहाँ पर शेयर रह जाएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं तो देखिए ये एक रिस्क की अगर हम बात करें रिस्क की आईपीओ है ओके okay, ये इस अगर इसके साथ आपको जाना है तो आप जा सकते हैं नो डाउट ओके कोई परेशानी वाली बात नहीं है अच्छा यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रही है यहां पर सब कुछ कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू बुक कर रही है सारे फंडामेंटल इसके अच्छे लग रहे हैं काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी काम करती है नजर आती है मेक इन इंडिया के तहत एज वेल एज हम बात करें कंपनी में कोई इशू नहीं है बट यहां पर इतना पैसा लगाना अगर कोई रिटेलर के लिए अच्छी बात नहीं होती ओके अगर आप करोड़पति है आपके पास करोड़ों रुपए है तो एट दैट टाइम यू कैन थिंक

के डिटेलर ऐसे आईपीओ में जहाँ पर दिखाई देता है ना ऐसे आईपीओ में रिटेलर ही यहाँ पर ज्यादा दिखाई देते हैं यहाँ पर देखिए वन फर्स्ट डे में यहाँ पर पॉइंट टू सिक्स परसेंट यहाँ पर भर दिया डे थ्री में डे टू में तो यहाँ पर फोर पॉइंट नाइन थ्री तो यहाँ पर देखिए रिटेलर सबसे ज्यादा यहाँ पर भरते हुए नजर आते हैं तो थोड़ा यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए रिटेलर को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा भागना नहीं चाहिए थोड़ी कम स्पीड से यहाँ पर काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा आपका मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा नो डाउट बट यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क नहीं बट कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जा सकते हैं, बट रिस्क आपके ऊपर ही रहेगी तो पर पर रिस्क को भी यहाँ पर तोल मोल के आपको रखना है। बाकी सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है हमारी सर्विस से रिलेटेड बातें करनी है तो यहाँ पर कांटेक्ट नंबर है व्हाट्सअप करिए और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करे कमेंट करे शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते